नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत कर रही हूं आप सभी का आपके अपने चैनल आरोग्य इंडिया स्वस्थ भारत की स्वस्थ परंपरा में। दोस्तों, कमर का दर्द आपको तड़पा सकता है और जब तक इसका इलाज न किया जाए आपके पास दर्द से कराहने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। पर दोस्तों, घबराइए मत, आज के इस पैकेज में हम आपको कुछ छोटे मोटे घरेलू नुस्खे बताएंगे जिनसे आप अपने कमर दर्द से चुटकियों में छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कैसे। रोज सुबह सरसों या नारियल के तेल में लहसुन की 3-4 कलियां डालकर गरम कर लें, जब तक लहसुन की कली काली ना हो जाए। ठंडा होने पर इस तेल से कमर की मालिश करें। नमक मिले गर्म पानी में 1 तौलिया डालकर निचोड़ लें। इसके बाद पेट के बल लेट जाएं, दर्द के स्थान पर तौलिए से भाप लें। कमर दर्द से राहत पहुंचाने का यह एक अचूक उपाय है। या तो आप कढ़ाई में 2-3 चम्मच नमक डालकर इसे अच्छे से सेक लें। इस नमक को थोड़ा मोटे सूती कपड़े में बांधकर पोटली बना लें और कमर पर पोटली से सिकाई करें। इससे भी कमर दर्द में आराम मिलता है। आप अजवाइन से भी कमर दर्द से छुट्टी पा सकते हैं। अजवाइन को तवे पर थोड़ी धीमी आंच पर सेक लें। ठंडा होने पर धीरे धीरे चबाते हुए निगल जाएं। इसके नियमित सेवन से आपके कमर दर्द में लाभ जरूर मिलेगा। दोस्तों, कमर दर्द में आपको गद्देदार और नरम बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। जब आपको कमर दर्द हो तो सख्त सतह पर सोना चाहिए। कमर दर्द भगाने के लिए आप योगा भी कर सकते हैं। योगा में भुजंगासन, शलभासन, हलासन, उत्तानपादासन और शवासन जैसे आसन आपके कमर दर्द में लाभदायक साबित हो सकते हैं। दोस्तों, कमर दर्द में एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि भारी वजन उठाते समय या जमीन से किसी भी चीज को उठाते समय कमर के बल ना झुकें, बल्कि पहले घुटने मोड़कर नीचे झुकें और वापस उठते समय भी घुटने को सीधा करते हुए भी खड़े हो जाएं। दोस्तों, कमर में दर्द शरीर में कैल्शियम की मात्रा कम होने से भी हो सकता है। कैल्शियम की मात्रा कम होने से हड्डियां कमजोर भी हो जाती हैं। इसलिए जितना हो सके उतना कैल्शियम युक्त चीजों का सेवन करना चाहिए। और दोस्तों, आप कमर दर्द भगाने के लिए तिल के तेल से मालिश भी कर सकते हैं। तिल के तेल को बहुत गर्म माना जाता है, जिसकी मालिश से आपकी कमर को नेचुरली सिकाई मिलती है। तो दोस्तों, इन सभी टिप्स को जरूर आजमाइए और अपनी कमर दर्द से चुटकियों में छुटकारा पाइए। हेल्दी और फिट रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आरोग्य इंडिया स्वस्थ भारत की स्वस्थ परंपरा को। धन्यवाद।